चाहे आप सोचे कि आप कर सकते हो या आप ये सोचे कि आप नहीं कर सकते हो, हर बार आप सही ही होते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। मैं हूं प्रतीक ठक्कर। दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट मैथ नहीं कर पाते और उन्हें बोरिंग लगता है। अगर बोरिंग नहीं भी लगता तो शायद अच्छे से या लॉन्ग टाइम तक नहीं कर सकते। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए मैथ से रिलेटेड टिप शेयर करूंगा। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरे साल मैथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर मैथ का डर दूर करना है, मैथ को इजी बनाना है, तो सबसे पहले चैप्टर वाइज वेटेज देख ले। आप बोलोगे अभी से, मैं कहूंगा हाँ अभी से। नेट पे सर्च कर लो, कहीं ना कहीं तो अप्रोक्स मिल ही जाएगा, या अपने टीचर की हेल्प ले लो। उसके बाद अपने टीचर से पूछो कि सबसे आसान चैप्टर्स कौन से हैं, उसे मार्क करो। अब जिस चैप्टर से आपको पढ़ाई शुरू करनी है उसे यूट्यूब पे या कोई एप्लीकेशन में जहाँ पे फ्री वीडियोस मिल जाए या फिर बहुत कम कॉस्ट पे मिल जाए उसे सर्च करो एंड उसके बेसिक वीडियोस देख लो। यानी कि कॉन्सेप्ट समझ लो कि चैप्टर क्यों है, इसमें किस टाइप के सम्स होते हैं, कितनी कितनी मेथड्स हैं, फॉर्मूलाज किस किस टाइप्स के हैं। ये सारी चीज़ें एक बार अपने एंड से जान लो और फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें। कहते हैं ना, अगर मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाए तो मैं उसमें से 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार बनाने में लगाऊंगा और 2 घंटे पेड़ काटने में। ऐसे ही अब आपने अपनी कुल्हाड़ी धार धार कर दी है, अब आपको चैप्टर को पढ़ना शुरू करना है। पढ़ते टाइम अपनी नोटबुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते जाए, हर छोटी छोटी चीजें लिखे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है एंड हो सकता है अभी आपको याद हो एंड आता हो पर फ्यूचर में आपको याद ना आए। अक्सर ऐसा हम रिवीजन के टाइम पे फेस करते हैं। कई चीज़ें हमें क्लास में लगता है ये तो बहुत इजी है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर वही चीज़ें फिर रिवीजन टाइम पे याद नहीं आती या क्लियर लिखी नहीं होती। एक नई शुरुआत करें, अपने आप पर विश्वास रखें। कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, अगर एक इंसान वो कर सकता है तो दूसरा इंसान भी अगर वो ठान ले तो वो कर सकता है। कई चैप्टर्स आपको बेसलेस लगेंगे, ऐसा क्वेश्चंस भी होगा कि ये साला क्यों सिलेबस में है, लाइफ में कभी काम में आने वाला तो है नहीं। पर अब भी उन नेगेटिविटी को साइड में रख दो, क्या होना चाहिए और क्या नहीं वो अभी आपके हाथ में नहीं है। आपका बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कुछ भी हो जाए उस चैप्टर को सीखना। और सीखना कैसे है, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया, पहले मार्किंग देखो, इजी चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो, उसके बारे में बेसिक चीज़ें जान लो, हर छोटे से छोटी चीज़ें लिखो, हर एक सम जब आपको आता जाए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पूरे साल हर चैप्टर के लिए ये टेक्निक को यूज़ करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्फ एक स्टूडेंट को शेयर करें, मैं विश करूँगा कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। वीडियो लाइक करते जाइएगा और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब करके मुझसे अभी जुड़े, हम साथ में पढ़ाई को पार लगाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।